हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गरीना फ्री फायर। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं दोबारा गरीना फ्री फायर। और गाइस, आपको लगता है क्या कि क्या मेरे पास ये सूट मिस्टर नट क्रैकर सूट क्या है, नहीं ये मेरे पास परमानेंट है? वेल, योर आंसर इज़ रॉन्ग, क्योंकि इस वाले क्रेट जो होते हैं ना, इसमें तो इसमें हमें 3 दिन के लिए वो मिल जाता है नट क्रैकर सूट, जूते को छोड़ के। और गाइस, आपको इसके एनिमेशन को देखकर लग रहा होगा कि मेरे पास काइलर आ गया है। यस गाइस, काइलर मेरे पास है, क्योंकि भाई एक इवेंट आया था जिससे हमें फ्री काइलर मिलता है। अभी मैं इसको लेवल अप कर रहा हूँ, और वह हम लोग इसको खरीद सकते हैं। सो खरीद लिया, अब नया लगा सकते हैं स्किल। कौन सा वाला लगाएं? आप लोग गाइस मुझे बताइएगा कि कौन से स्किल्स अच्छे रहते हैं, स्पेशली जिन जो कैरेक्टर्स मेरे पास है। क्योंकि मेरे पास है एंटोनियो का स्किल, राफेल का स्किल, मतलब कि रेफेल है मेरे पास, ला है, ये सब कैरेक्टर्स मेरे पास अभी अभी है। वेल, अभी तक तो मेरे पास तो और कोई बाकी कैरेक्टर तो है नहीं। तो कौन सा लगा है? एजिलिटी, फायर आर्म्स एक्सपर्ट, एक काम कर लेते हैं, इसी को ही लगा लेते हैं, क्योंकि ये एक टाइप से बहुत ही हेल्प करता है हमारे लिए। सो गाइस, आज हम लोग एक नया मोड खेलने वाले हैं जिसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट अंडर द टू। एक नया मैप है इसमें, ये एक टाइप से स्क्विड गेम है। यस गाइस, स्क्विड गेम है, क्योंकि इसमें ना हमें क्या करना पड़ता है, लड़की जब पीछे मुड़ कर देखती है तो हमें स्टॉप मतलब कि रुकना पड़ता है, और जब लड़की पीछे वापस मुड़ जाती है तो हमें वापस से चलना पड़ता है। जो पहले पहुंचेगा वो उसको मिलेगा बूया। तो ये है मेरे पास काइलर इमोट, ये देखिए गाइस, ये है, बहुत ही डरावनी लग रही है। देखा गाइस, जो भी हिलता है वो मर जाता है इस गेम में। वह मुझे इसके जितने भी ट्यून्स हैं ना, मुझे सब के सब याद है लिटरली गाइस। और अभी फर्स्ट पोजीशन पे मैं ही हूँ। भाई वो हायटो वाला आगे निकल गया रे। ओ, वो कॉन्ग भी आगे निकल गया। ओपी गेमर महेश हैज फिनिश्ड द रेस। वो विक्ट्री। अब देखेगा गाइस, जो भी हिलेगा वो मर जाएगा। 20 सेकंड है, 20 सेकंड के अंदर अगर सब लोग आ गए तो सब लोग जीतेंगे। 3 लोग आ गए और बाकी 3 रह गए, और वो लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं भगवान जाने। ये भी मर जाएगा। यस, जीत गए। क्लोज बट नॉट सीजर। फिफ्थ पोजीशन पे है बट कोई नहीं। सो गाइस, ट्यून का अगर आप याद रखेंगे तो ये मैच आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। यस गाइस, लेकिन अब हम लोग एक नया मोड खेलने जा रहे हैं। नया मोड नहीं, वैसे क्राफ्ट लैंड भी खेल सकते हैं, रैम्पेज न्यू डॉन खेलते हैं, क्योंकि ये मोड जो है ये मैंने अब से पहले कभी भी नहीं खेला। अब से पहले कभी भी नहीं खेला। सो जल्दी खेल लेते हैं, और वीडियो को भी तो एंड करना है। सो गाइस, मैं मिलता हूँ जब मैं प्लेन में रहूँगा, ठीक है? सो गाइस, एक बंदे ने लकी ट्री लगा तो दिया, लेकिन मैं उसे ले नहीं पाया। खैर कोई नहीं गाइस, अपना इमोट शो ऑफ करते हैं। या देखा गाइस, इमोट करते वक्त भी हम लोग ना अपना वो चेंज कर सकते हैं, मतलब इमोट कर सकते हैं, वो स्किल एक्टिवेट कर सकते हैं। सो भाई चलते हैं जल्दी। अब रैम्पेज न्यू डॉन में होता क्या है, तो रैम्पेज टाइप है, लेकिन इसमें हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, मतलब कि हम अपना कौन सा स्किल बढ़ाएं। एम्बर जी एलिमिनेटेड, कोई नहीं।
तो ये जो आप पांच जो नीचे देख सकते हैं ना, ये सब, तो इन सब से हमारा स्किल एक्टिवेट होगा अगर हम लोग दौड़ते हैं भागते हैं। रैम्पेज की तरह ही है, लेकिन इसमें हमें अपना स्किल खुद लेना पड़ता है, मतलब कि हम लोग तेज़ दौड़ सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा हेल्थ ले सकते हैं, या फिर जंप ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर डैमेज ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चार रहते हैं, और भी कुछ कुछ रहते होंगे, लेकिन चॉइस रहता है ना, तो चॉइस से हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं। तो इधर भाई मेरे साथ में कोई एक बंदा उतरा है, अब भाई मैं क्या करूं, भाई क्या करूं क्या करूं। वो बंदा है का, मुझे साउंड तो आ रहा है बंदे का, लेकिन सामने एक बंदा है, क्यों ना मेरे, वैसे भी मेरे इसमें साइलेंसर तो है ही, तो पट से हेडशॉट मार देता ना, तो इंक्रीज ईपी रिकवरी रेट, इंक्रीज डैमेज बाय 10%, रीलोड स्पीड। इसके पास M60Y था, मेरे पास वैसे भी एक्स्ट्रा हेल्थ है, तो एक्स्ट्रा हेल्थ के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। वेस्ट SP बूस्टर 245 हेल्थ, वेल अब मैं तो फंस गया, और निकल सकता हूँ निकल सकता हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं फंस गया, लेकिन मैं निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे अब इस जगह से जल्द निकलना पड़ेगा। ओ भाई सामने बंदा था, उसने मुझे मारने की कोशिश की, सॉरी गाइस थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, लेकिन सॉरी गाइस थोड़ा बहुत लैग हो रहा है। भाई बहुत लैग हो रहा है लिटरली। ऑप्टेन हॉरिजन लाइन, भाई अपना हेल्थ एक एक ही चंगुल में खत्म कर दिया, और अपना वो भी चला गया है HP बूस्टर। अब क्या करें, भाग जाता है क्या? हाँ चलो भागो। अब गाइस कोई भी मुझे नूब नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है, तो इसे कोई भी मुझे नूब नहीं बोल सकता। मुझे थोड़ा बहुत एमओ मिल जाए, ग्लू वॉल वगैरह मिल जाए, आर्मर मिल जाए, तब मैं उसे सबक दूंगा। बैग इन्हेलर ले लेते हैं, पैराफिन ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा डैमेज करता है। और सामने एक मशरूम था, तो मशरूम भी खा लेते हैं, जिससे हमारा ईपी बढ़े, और दौड़ने से भी हमारा ये जो है ना बढ़ जाता है। भागो यहाँ से, एमओ, एयरशिप इज अप्रोचिंग। तो भाई इसमें मैं क्या करूँ रे। तो गाइस थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस लकीली तो मैं मतलब कि अभी सेफ जोन से तो बाहर निकल गया हूँ। M82 भी एक काम कर लेते हैं, M82 भी अभी के लिए रख लेते हैं, क्योंकि भाई ग्लू वॉल फाड़ के मारती है ये। और उधर गाइस वो बंदा अभी तक मुझे ढूंढ रहा है, वो सोच रहा है कि मैं अभी तक वहाँ पे कैंपिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे पता नहीं है कि मैं भाग आया। लकीली मेरे पास एक हॉरिजन लाइन है, जिससे मैं उसे मार डाल सकूं। वो देखिए गाइस अभी भी फायर हो रहा है, वो सोच रहा है कि मैं अभी भी हूँ। तो गाइस थोड़ी देर के लिए कैंपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब वो बंदा सामने आएगा तब मैं उसे मार दूंगा। गाइस आई गाइस मुझे भागते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो नीचे वाला जो रैम्पेज स्किल जो होता है ना, ये सब मतलब कि डिक्रीज हो जाता है। रिजेबल हॉरिजन लाइन इंक्रीज रिलो स्पीड बाय 50%, इंक्रीज ईपी रिकवरी रेट। तो ये तीन स्किल मेरे पास हैं, और दो स्किल मैं ऑप्टेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भागते रहना पड़ेगा तभी ऑप्टेन कर पाऊंगा। और हॉरिजन लाइन ना मतलब कि एक टाइप से हमें रिवाइव देता है, हम लोग बिना मतलब कि अपने किसी टीममेट से रिवाइव ले सकते हैं। गाड़ी चलाने से वो ईपी कम होता है, तो
है छोड़ो, अभी इधर आ जाते हैं। आई नो गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो को थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड करूँगा अभी। सो हियर यू गो। भाई अपनी किस्मत ख़राब थी, लेकिन कोई नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत उथल पुथल हो जाता है। और वैसे भी मेरे पास वो इंक्रीज एचपी वाला वो नहीं है, पता नहीं क्यों। वेल गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस नहीं। सो यार गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए तो बस नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया, एटलीस्ट टॉप 15 तो आए। सो गाइस इस छोटी सी वीडियो के लिए तो बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस चलता हूँ मैं इस बेहतरीन, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। गुड बाय।